स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया कुरुक्षेत्र का। लगातार बात हम बजट की कर रहे हैं। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तारीफ भी सबसे ज्यादा हो रही है और हमले भी जाहिर है कि सबसे ज्यादा उन्हें ही झेलने पड़ रहे हैं। मिडिल क्लास उनकी दिल खोलकर आज तारीफ कर रहा है, तो उनके विरोधी उनके आज पेश किए बजट को बोगस बता रहे हैं। विरोधी उनसे पूछ रहे हैं कि देश में डबल टैक्स सिस्टम आखिर क्यों लाया गया है, महंगाई को काबू में करने के लिए निर्मला सीतारमन अपने बजट में क्या दे रही हैं, वो खुद कितनी संतुष्ट हैं, ग्रोथ को लेकर राष्ट्र की इकोनॉमी की उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, और नौकरियों को लेकर उनके बजट से राहत की हम कोई अपेक्षा करें या ना करें। विरोधियों के तीखे सवालों को लेकर निर्मला सीतारमन का खुद का क्या पक्ष है, वो अपने बजट को खुद कितने मार्क्स देती हैं, उनसे सारे विषयों पर बात हुई। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें आपके मन में भी जितने प्रश्न होंगे उन सबका उत्तर खुद निर्मला सीतारमन ने दिया, हिंदी में दिया। वित्त मंत्री से जैसे पूछा गया कि 5 साल में की मोदी सरकार का, मोदी 2.0 सरकार का ये आखिरी आप बजट पेश कर रही हैं, इस बजट को आप कैसे समराइज करेंगी, इस बजट का निचोड़ क्या है, तो आइए सुनते हैं हिंदी में क्या जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। 5 साल नॉट मामूली 5 साल, इसमें बीच में कोविड पैंडमिक और पूरे दुनिया में उसके वजह से इम्पैक्ट, और जब दुनिया में इम्पैक्ट होती है हर इकोनॉमी उससे प्रभावित होते हैं। उस संदर्भ में भारत देश का इकोनॉमी को उस हालात से ऊपर उठाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो करते हुए एवरी चैलेंज को हमने एक अपॉर्चुनिटी जैसे मानकर रिफॉर्म को कोविड के समय में भी करके आज पूरे दुनिया में जबकि हालात इतना चैलेंजिंग है सबको, फिर भी भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। IMF का कल का मानना भी वही है। ये सब एक के बाद एक एक्शन लगातार विदाउट ब्रेक लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म को छोड़े नहीं है, मगर उसके कारण पिछड़े दलित और वंचित को कोई बर्डन ना हो उसके लिए समय समय पर उचित कदम भी उठाना, ये सब करते आए हैं, इसीलिए आज इस कगार पर पहुंचे हैं। इसीलिए जब हम आज के बजट के विषय बात करते हैं, पहला अमृतकाल का बजट है, इसमें दूरदृष्टि से एक आध कदम जो उठाना है उसका भी जिक्र किए हैं, साथ साथ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी वंचितों को वर्चस्व देने के लिए जो बजट की बात होती हैं इसमें इतने सारे अंश हैं जिसके द्वारा हर SC हर ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC इन सबको प्रावधान दिया गया है। मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स की नई दरें आज लागू की गई। जो 5 लाख रुपए तक लोगों को टैक्स नहीं देना होता था वो बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन अब देश के अंदर दो टैक्स रिजीम काम कर रही हैं, यानी दो टैक्स स्ट्रक्चर हैं और आपको चुनाव करना है कि आप कौन से टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जाना चाहते हैं, तो इसको लेकर के क्या सोच थी सरकार की, ये दो टैक्स रिजीम क्यों लाने पड़े हैं, इसके पीछे लॉजिक आखिर क्या है, सरकार ने ऐसा क्यों किया, सुनिए वित्त मंत्री को। इसमें चर्चा दो विषयों पर होती है कि टैक्स रेट को कम करो, दूसरा टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, इधर एक रेट कम हो रही है मगर दूसरे जगह पर सरचार्ज को इंक्रीज कर रही हो, तीसरे बोलते हो कि आप इंश्योरेंस लो फिर आपको एग्जेम्पशन देंगे, सो कॉम्प्लिकेशंस के कारण ओल्ड रिजीम अगर आपको बेनिफिशियल लगता है आपको ही वो कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। इसीलिए ओल्ड रिजीम के बारे में बहुत सालों से बहुत सारे कमिटियों भी रिपोर्ट दिया कि उसको सिंप्लीफाई करो और टैक्स इवेशन का और टैक्स अवॉइडेंस का एक मुख्य कारण ये होता है कि जब रेट ज्यादा रहते हैं लोग अन्य रास्ते ढूंढते हैं जिससे उससे बच पाएंगे। अगर रेट कम हो जाता है लोगों के मन में अच्छा ठीक है इतना ज्यादा नहीं पे करो, सो इन सब को मन में रखते हुए ही 2 साल पहले हमने सेकेंड रेजिम टैक्स रेजिम ले आए जिसमें रेट कम था, मगर इस बार
हम उसमें रेट भी कम किया, स्लैब्स पे बढ़ाया और हर स्लैब का टैक्स रेट भी कम करवाया और उसमें आखिरकार सरचार्ज जिसके वजह से भारत में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहते हैं उसको भी एकदम बड़ा सा हिस्से में जितने भी सजेशंस था, सिंप्लीफाई करो, रेट कम करो, कंप्लायंस को ज्यादा बढ़ावा दो, वो सब अभी इस न्यू सिस्टम में कर दिया और उसको डिफॉल्ट सिस्टम बना रहे हैं। मतलब आप जब फाइलिंग करने के लिए कंप्यूटर को ओपन करेंगे यही फॉर्म आपको पहले आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपलसरी इसमें रहना है। अगर आपको ओल्ड सिस्टम में रहना चाहिए तो रहिए, मगर ध्यान से आप निर्णय करिए कि इसमें न्यूअर सिस्टम में इतना बेनिफिट के बावजूद भी आप कुछ कारणवश ओल्ड सिस्टम में रहना चाहते हैं तो रहिए। मतलब धीरे धीरे एग्जेम्पशन रेजिम से छोड़ करके हम नया रेजिम को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये आज घोषणा है। तो वित्त मंत्री, इसे आपने समझा कि इस नए टैक्स सिस्टम को लाने के पीछे क्या मंशा है सरकार की? उन्होंने साफ कहा कि जो एग्जेम्पशन वाला सिस्टम है जिसमें आप तरह तरह से अपना टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ देश को वो ले जाना चाहती है, टैक्स भरने में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको खत्म करना चाहती है। अब दूसरा सवाल ये आया कि नई रिजीम में टैक्स बचाने के लिए बचत करने के जो ऑप्शंस हटाए जा रहे हैं इससे क्या लोगों को फायदा होगा? पहले लोगों को मजबूरन ही सही कुछ ना कुछ बचत करनी पड़ती थी, कोई LIC की पॉलिसी निकालता था, कोई हेल्थ पॉलिसी निकालता था, बच्चों की फीस के अंदर आपको छूट मिल जाती थी। अब वो सब छूट नहीं मिलेंगी भले ही आपको टैक्स की कम दर पर अपना टैक्स भरना पड़ेगा, तो इससे क्या फायदा होने जा रहा है आपको वो समझिए। कुछ को ही बदलना है जब रेट कम है और आपके हाथ में पैसा बचता है, आपके मर्जी जहां लगाना है। ठीक, ओल्ड रेजिम में रेट भी ज्यादा, आपको प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आधा एग्जेम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपके मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। तो वित्त मंत्री कह रही हैं कि पहले के टैक्स सिस्टम में आप जो मजबूरी में बचत करते थे टैक्स बचाने के लिए वो अब आपके ऊपर है, अब आपके जेब में पैसा बचेगा क्योंकि आपको कम टैक्स भरना है। अब आप उससे कोई पॉलिसी निकालिए, उसको बैंक में जमा कीजिए, उसका FD कीजिए, शेयर मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, यह आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए आपकी छूट बढ़ गई है। अब इसके बाद सवाल आया कि बजट में महिलाओं को लेकर जितने प्रावधान किए गए हैं, हमने देखा स्वयं सहायता समूह को लेकर के कई घोषणाएं हुई हैं, एक नई बजट स्कीम लाई गई है जिसमें 7.5% तक महिलाओं को इंटरेस्ट मिलेगा जिसके तहत, इन सब का महिलाएं कैसे फायदा उठाएं और महिलाओं को देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए बड़े तौर पर इस बजट में क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आए, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनके फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारी युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज़्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज़्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही मायने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। इसी तरीके से हम जब SHG महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेस से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए, ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो काफी कामयाब हैं, जिनको जिनका लाभ बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिल रहा है। उसमें से ऐसी एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस बार पीएम आवास योजना के अंदर जितना पैसा सरकार लगाती है उसमें 66% की वृद्धि कर दी गई है। तो आज ये जाहिर सवाल था कि उनसे पूछा जाए कि आपने अपने आप को जो टारगेट दिया है क्या उसे पूरा कर पाएंगे, क्या इतने बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना के तहत लोगों के लिए मकान घर बनाए जा पाएंगे। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि आवास योजना के कितने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट्स आ रही है। ऊपर से ये पीएम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को अभी ब्लॉक के स्तर पर 500 ब्लॉक्स में ले चल रही हैं। ये आवास योजना और जल जीवन मिशन उस ब्लॉक्स में भी पहुंचेगा। सो टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, मगर इसके लिए इसीलिए ही पहले से ही प्रावधान ज्यादा 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए ड्राइव, मतलब लीस्ट रीचिंग द लास्ट माइल, वो 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल है, सेकंड प्रायोरिटी। जहां भी लोग जो जिनको वो एलिजिबिलिटी है वहां वो छूट ना जाए, उनको भी इंक्लूड करें, इसीलिए वो रीचिंग द लास्ट माइल का लिस्ट मैंने बनाकर दिखाया। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना आज के बजट के बाद, और उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने नए कीर्तिमान डिजिटल पेमेंट में गढ़े हैं पूरी दुनिया में, अब उसको हमें गांव तक लेकर के जाना है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को भी जोड़ना है। अब ये काम सुनने में जितना आसान लगता है क्या ये उतना सरल है, और ये काम सरकार कैसे करने जा रही है, इस पर आप वित्त मंत्री का जवाब सुनिए। ये ऐसे ऐप नहीं है जहां आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसको ये करो, उसका चार्ज पे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर में किसान उनका पूरे जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो मिल सकेगा कि अच्छा सीड कहाँ से मिल सके, उनको सोर्स करो, उनको सप्लाई करने के लिए कौन है, और उसके बाद कल्टीवेशन के समय आपके सॉइल के हेल्थ कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या आप करना है, नेचुरल फार्मिंग की ओर अगर आप जाना है कि कैसे जाना है, कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या विषय पाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको उपयोग कैसे कर, पूरे जानकारी उससे फ्री ऑफ चार्ज इन अ वे किसान को मिलेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स करने का सिस्टम से निकल कर आ रही है। एक सवाल एमएसएमई सेक्टर को था, एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे मंझोले उद्योग, जो भारत में रोजगार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। अब इस क्षेत्र के लिए क्या फोकस है इस सरकार का जिससे रोजगार भी पैदा हो, ये उद्योग भी बढ़े, सुनते हैं वित्त मंत्री की बात। मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है। कोरोना पैंडमिक के समय जो एमएसएमई उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए, मान लीजिए आपके यहाँ एक एमएसएमई आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे, वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके आप, क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रख के 95 को आपको वापस कर देंगे। ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है। दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया।
वित्त मंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, हिंदी में समझा करके बताया बजट के प्रावधानों के क्या मतलब है। आइए मेहमानों के पास अब चलते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे सेट पर बीजेपी के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद, स्वागत है सर आपका। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रिया जी का स्वागत है। बिजॉन मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, बिजॉन साहब कंज्यूमर की बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं, बिजॉन साहब स्वागत है आपका। अश्विनी महाजन साहब अर्थशास्त्री हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल मेहमान समेत, सबका फिनेंस का या अर्थनीति को समझने का एक बैकग्राउंड है, तो हम आपको बहुत बेहतर तरीके से जो है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए मामला ये समझा सकते हैं आज के बजट का सारा। मैम सुप्रिया, आप अभी वित्त मंत्री अपने इंटरव्यू में बता रही थी किसान के लिए, एमएसएमई के लिए, महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबका ध्यान रखा गया है इस बार बजट पर। और प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि इसको केवल एक साल का बजट ना देखें, ये देखें कि 25 साल में हमको विकसित राष्ट्र बनना है, उस दिशा में एक बजट है। नहीं, लच्छेदार बात करनी तो भाजपा की आदत है, उसमें तो कोई फुल मार्क्स मिलने चाहिए लच्छेदार बातों में। असलियत क्या है बजट की, वो समझनी और समझानी भी जरूरी है। इस बजट में दो चार चीजें बड़ी साफ हैं, कोई बड़ा आइडिया नहीं है, जमीनी हकीकत से मुंह फेरा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन, एक शब्द उस पर नहीं। वित्त मंत्री ने युवाओं का शब्द 8 बार उपयोग किया, नौकरी का शब्द 7 बार और गरीबों का शब्द 2 बार, बाकी शब्द उन्होंने 25-30 बार, 51 बार तो टैक्स ही बोल डाला, वो छोड़ दीजिए। ये बजट एक्चुअली असलियत दिखाता है सरकार की, और मैं आपको 2 सेकंड में बता देती हूं कैसे जी। इस बजट ने 2023 का रिवाइज एस्टिमेट भी सामने रखा है और पूरी तरह से साफ है कि पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, एसटीज, एससीज, मतलब दलित और ट्राइबल्स, सबके फंड बड़े बड़े बताए गए थे पिछले साल, लेकिन सारे काट के खर्चा कम किया गया है। तो मैं जानना चाहती हूं कि यह बजट सुई की नोक कैसे घुमाएगा एम्प्लॉयमेंट पर और निवेश पर, यह बताना जरूरी है। और कैपिटल आउटले के पहले बात हो, 10 सेकंड में बात खत्म कर देती हूं कि कितना बड़ा उन्होंने कर दिया। उन्होंने ऐसा ही दंभ पिछले साल भी भरा था, लेकिन कैपिटल आउटले खर्च पिछले साल भी दावे और दंभ के मुकाबले कम हुआ, यह असलियत है इनकी। ठीक है, जफर साहब जवाब दें। देखें, जो बात अभी सुप्रिया जी कह रही हैं, पी चिदम्बरम साहब पूर्व वित्त मंत्री हमारे कई बार के, उन्होंने भी इस बात को कहा है अपने स्टेटमेंट में, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, गरीबी का नाम ही नहीं लिया गया है वित्त मंत्री के पूरे भाषण में कहीं भी। और जितना आप देते हैं आउटले, पिछले साल जो दिया था उसी को पूरा खर्च नहीं कर पा रहे, इस साल बढ़ा भी दिया तो उसमें क्या करेंगे। नहीं देखिए, इस बात में सच्चाई नहीं है, ऑन ट्रैक है। जो 2.9% ऑफ GDP जो हमने पिछले बार कमिट किया था, उतना खर्च हुआ है, ऑलमोस्ट उतना खर्च हुआ है। जो स्टेट को भी दिया था उसका भी 80% स्टेट ने खर्च किया है, 1,00,000 करोड़ का। तो ये बात में सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ऑन ट्रैक इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट जो है 7.5 लाख करोड़ का था। लेकिन आप देखिए, इनके समय में क्या होता था, 2% ऑफ GDP, हमने वहाँ से 3.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, अभी 10 लाख करोड़। और ये 10 लाख करोड़ कोई अपने आप में 3.3% ऑफ GDP कभी ऐतिहासिक तौर पर आप देखिए तो इतिहास रचा है कि इतनी बड़ा एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं किया। ये सरल भाषा में बताएगा, ये जो GDP का 3.3% जिसको आप केपेक्स कहते हैं, ये क्या होता है, इसको खर्च कहाँ किया जाएगा। देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे वो रॉयल हो, चाहे रोड हो, चाहे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए 1,30,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके साथ सी पोर्ट हो, पोर्ट हो, या आपका एयरपोर्ट हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने से दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ कि उसका जो है GDP में ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, कि अगर रेलवे में हो तो अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ले लिए तो 5 रुपये का 5-6 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन नेशनल GDP में होता है। उसी तरह रोड में भी होता है, उसी तरह और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो लेकिन अगर RBI के स्टडी के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 1 रुपये का 3.5 रुपये कंट्रीब्यूशन होता है। उससे नौकरियां बहुत बढ़ती हैं, युवाओं को नौकरी मिलती है, जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा खुशहाली होगा, उतना ज़्यादा नौकरी। देखिए, जयराम रमेश ने कहा है मोदी जी की स्ट्रैटेजी है OPUD, ओपन ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, जो सुप्रिया जी कह रही हैं। देखिए, इन लोगों के समय में देखिए बजट का साइज क्या था,
जीडीपी का साइज क्या था, जब सुप्रिया जी की सरकार यूपीए की सरकार ने छोड़ा था तो उस वक्त बजट का 100 लाख करोड़ का था जीडीपी, आज कम 285 लाख करोड़ का, 303 लाख करोड़ का आगे के संभावना जो है जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, और उसका 300 उसका अगर आप 3.3% जो है आप सिर्फ एक वे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डालते हैं, तो उससे समझ में आता है कि सरकार की नियत है दो चीज है, सरकार की नियत दो चीज है, एक तो कि गलत खर्चे जो है वो कम, जो फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहिए था और फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना चाहिए था, उसके रोड मैप बिल्कुल साफ कर दिया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ा खर्चे का जो बोझ और जो जिस तरह की मुसीबतें इन लोगों ने छोड़ी थी वो आगे आने वाली। चलिए इसी बात का जवाब सुप्रिया जी दे दें, ये जो कह रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा जो रिकॉर्ड है, क्या ये क्या क्या आई वॉश है, झूठ है? इनसे पूछिए पिछले बार कैपिटल आउटले कितना था, 7.5 लाख करोड़, खर्चा कितना हुआ 7,10,000 करोड़। इनसे पूछिए क्यों फॉल शॉर्ट हुआ, और 7.5 लाख करोड़ इनका दावा था, 7,10,000 या 7,18,000 मेरे ख्याल से खर्चा हुआ, 7,37,000 करोड़। तो इनसे पूछिए उससे कितनी नौकरियां बन गई, एक मिनट उससे पूछिए कितनी नौकरियां बनी उससे, मैं बताता हूं उसका कितना रिपल इफेक्ट हुआ। असलियत ये है कि इस बजट में भी, मैं बीच में मत बोलिए, अभी तो मैं बोल ही रही हूं, जब मैं बोल लूंगी तब आप बोलिएगा, अभी बीच में मत बोलिए, परेशान मत होइए, बोलिए। दिक्कत की बात ये है कि ये बजट जो आज प्रेजेंट हुआ है वो ये बात को नकारता है कि देश में दिक्कतें हैं, देश में तो जी अमृतकाल चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं इन्हीं के फिगर पूछना चाहती हूँ, पीएम किसान सम्मान में आपने 68,000 करोड़ आवंटित किए थे, 60,000 करोड़ खर्चा किया, एग्रीकल्चर बजट जितना आवंटित किया था उससे कम खर्चा किया, क्यों ऐसा किया? एससी एसटी के डेवलपमेंट के लिए आवंटित कुछ और था, खर्चा कम हुआ। और एक बड़ी दिक्कत की बात यह है, ये सुन लीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, शिक्षा में आवंटित था 1,04,000 करोड़ खर्चा करेंगे, खर्चा कितना किया 99,000 करोड़। हेल्थ स्वास्थ्य जैसी चीज में पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा होना था, असल खर्चा 77,000 करोड़। आपको ये पता है पिछले 9 साल में इन्होंने एजुकेशन के बजट को लगातार घटाते गए हैं, और ये विश्वगुरु बनने की और अमृतकाल की बात करेंगे, अब जरा लगातार जवाब दे दूं क्या, एजुकेशन का बजट देखिए इनके समय में एजुकेशन लगातार कृषि का बजट सुप्रिया जी, और मेहमान भी है, मैं जरा जवाब ले लूं फिर बाकी मेहमान। देखिए इनके इनके समय में 2014 का जरा बजट उठा के देख लिए, 30,000 करोड़ का एलोकेशन था हेल्थ सेक्टर के लिए, 86,000 करोड़ आपने सुना, और अभी तक 80,000 करोड़ खर्चे हो चुके हैं। इनके समय में जो है रिकॉर्ड हमने एजुकेशन का सुप्रिया जी मैं ले रहा हूं जवाब, एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन स्पेस के लिए बड़ा एलोकेशन 1,04,000 करोड़ का हुआ, अभी वो भी अपने आप में रिकॉर्ड था, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था। अगर आप देखिए जो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि, हमने किसान सम्मान निधि में सबका सम्मान किया, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे किसान थे जिनको जिनका अगर दो वजह से, या तो वो किसान नहीं रहे और शहर में आ गए और दूसरी तरह की चीज़ें नौकरियां ले ली उन्होंने, तो वो किसान इसलिए सम्मान निधि में उनको कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, या फिर अगर जब उनको उनको आधार कार्ड से लिंक किया गया तो शायद वो नहीं रहे। मैं तो जफर साहब आपकी बात को भी सच मानूं और मैं सुप्रिया जी की बात को भी सच मानूं। मैम सुने आप लोग एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता, लेकिन एक मिनट मैम, बाकी मेहमान भी है, प्लीज थोड़ा सा बेर कीजिए मेरे साथ। अरे भाई सुन तो, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैम सुनिए, बहस हो रही तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं बाकी मेहमान भी है। इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि का मिला था, कहते हैं 11 करोड़ किसानों को, ठीक है 11वां इंस्टॉलमेंट मिला 3,80,00,000 किसानों को, कहाँ चले गए 8 करोड़ किसान? चलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि ये अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं अपने फंड का, जीडीपी हर साल बढ़ती है, कम बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है, अलग बात है, लेकिन हम लोग ग्रो ही करती है हमारी इकोनॉमी। अब सवाल ये है कि ये कितना भी खर्च कर रहे हैं उससे हमारी लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स यार, क्या बात कर रहे हो? मेरी बात आप पूरी तो होने दीजिए, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, हर साल बढ़ेगा, सुने तो, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है, अगर देखिए नेगेटिव ग्रोथ है सर, प्लीज आपकी बात
सही है मान लेते हैं कि ये कम यूटिलाइज करते हैं, खर्च कम कर पाते हैं, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है जो भी खर्च कर रहे हैं उससे हमारी बेरोजगारी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी महंगाई पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो भी योजनाएं बना रहे हैं घर बनाने की, टॉयलेट बनाने की, सिलेंडर देने की, रोड बनाने की, उसकी रफ्तार क्या है, असली क्वेश्चन इतना है। महाजन साहब को ला रहा हूं बीच में, महाजन साहब आरोप लगा, लिख दो कागज पर इतने लाख करोड़, खर्च करो कुछ और, दावा करो हमने जो जीडीपी का इतना परसेंट हिस्सा दे दिया जी, लेकिन खर्च करते हैं कुछ और, इसका हम देश के अभी जो परिस्थितियां हैं कोरिलेशन आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आवंटन ज़्यादा करना और खर्च कम करना, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं अपनी किताब में लिखता हूँ हमेशा कि ये जो सोशल सेक्टर है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेयजल है, बाकी सब चीज़ें हैं, एसटी, सब मिला करके हमेशा बजट में आवंटन किया जाता है लगभग 9.5 से 10%। जब हम रिवाइज एस्टिमेट्स देखते हैं हर साल बजट का, यही है, आज से मैं 20 साल पुराने बजट सारे निकाल करके देख लिए, सब में जो सरकार है वो एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीज़ों पर पूरा खर्च नहीं कर पाती है जी। मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले समय से ये जो डिफरेंस है वे थोड़ा कम हुआ है, यानी जो आवंटन का और वास्तविक खर्च का कम हुआ है। मैंने देखा कि 10% आपने आवंटन किया, 8.7% आपने खर्च किया, ऐसे लगातार ये चला है, ये एक साल का नहीं है। तो उसमें हमारी अपनी क्षमता को भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम जो आवंटन हो उसका पूरा खर्च कर सकें, अपनी संस्थाओं को उस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि सोशल सेक्टर पर जो खर्च है ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये 10% के आसपास ही रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, क्योंकि आज डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने इसका पूरा उपयोग करना है। एजुकेशन और हेल्थ पर अच्छा खर्च करने की ज़रूरत है। मैं बधाई देता हूँ कि हाँ, पिछली बार ये एजुकेशन और हेल्थ पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया था, जो एक अच्छी बात है, और अगर मान लिया उसको पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं तो सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हाँ ये रियलिटी है, लेकिन ये गैप अब कम होता जा रहा है। चलें ठीक, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, बिजॉन साहब भी हैं। अब जो सवाल ये था कि इस बजट में गरीबी को, बेरोजगारी को इसका नाम ही नहीं लिया, बता रही हैं सुप्रिया जी, उसको कैसे एड्रेस कर रही हैं वित्त मंत्री। मोदी सरकार के आज के बजट का आज दिन भर से विश्लेषण जारी है। आज भी इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जो हैं बने हुए हैं। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहता हूं, आप एक एक करके मुद्दे को डील करें। महंगाई की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने माना था कि हाँ महंगाई बढ़ी है, हम महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नीचे लाए भी हैं। अब सवाल ये जो उठाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी जिक्र नहीं किया महंगाई का, अब वो अभी सुप्रिया जी ने कहा कि ये देश की असलियतों से मुंह चुरा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को पता भी है कि महंगाई बजट का इशू नहीं है। महंगाई उसके लिए बाकायदा RBI है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो होती है, और जो इस देश की महंगाई रही है, अभी चूंकि हम लोग 2023 के फरवरी 1 को बैठे हैं, लेकिन हम 22 की ही बात कर सकते हैं, आंकड़े तब तक के मेरे पास हैं। जो पहले महीने रहे, पहली छमाही बहुत ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन दिसंबर के आंकड़े अगर हम कहें तो जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा बताता है वो उनके टारगेटेड 6% के नीचे है, आंकड़े की बात। अब बजट में क्या ऐसा कोई प्रोविजन आया है, ऐसा कोई ऐलान हुआ है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। जो RBI गवर्नर की जो कही हुई पहली PC थी, जो मुझे याद है, जो अप्रैल के बाद हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इतने समय में इसको काबू कर लेंगे। नवंबर आते आते वो काबू कर लिया। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 5% के नीचे चली गई। अब इससे ज्यादा महंगाई कम करने का मतलब एक और दूसरा होता है कि जो आप किसानों की बात करते हैं, क्या आप उनको बिल्कुल कोई रकम नहीं देना चाहते? और जब हम महंगाई और मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो उसके साथ किसान की भी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम ये बात बताएंगे कि दूध का पैकेट महंगा हो गया, हम ये नहीं बताएंगे कि उतने समय में सैलरी कितनी बढ़ी, उतने समय में जो सड़क किनारे भी कोई काम कर रहा था उसकी कमाई कितनी बढ़ी। तो ये बैलेंसिंग एक्ट होता है जो कम से कम इसमें नजर आता है। मुझे लगता है कि महंगाई को लेकर अलग से कोई चर्चा की जरूरत इसमें नहीं थी, वित्त मंत्री ने एक बेहतर काम किया। नहीं, लेकिन ये तो सवाल है ना कि आपने कहा आमदनी जितनी बढ़ रही है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है क्या?
नहीं, दोनों तरह से अगर हम देखें, अब जैसे मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, आपने अच्छा किया कि ये पूछ लिया कि कितनी पर कैपिटा इनकम जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 75,000 रुपए थी। जब मोदी की सरकार आज हम बात कर रहे हैं तो 1,97,000 करोड़ रुपए है, और 1,97,000 रुपए है। और इसमें अगर आप साफ साफ देखें तो कौन सा समय था ये, 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद कोविड आता है, दुनिया भर की जो स्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार का समय है। अब इसके बीच में अगर इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि जो पॉलिसी है और पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है वो ठीक तरफ। इस पर एक जवाब बिजॉन साहब भी दे दे सर, मतलब महंगाई जो अभी बोल रहे हैं हर्ष जी, महंगाई काबू में और आमदनी बढ़ रही है आदमी की। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जाहिर है। देखिए, हम लोगों को शब्द की गिनती नहीं करना चाहिए बजट पे, हम लोगों को आंकड़ों पर गिनती करनी चाहिए। यूसी आंकड़ा क्या कह रहा है, हर एक जगह पे सब लोगों को देखते हुए ये बजट बना है। एक बहुत प्रगतिशील बजट है, एक मॉडर्न बजट है, डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, यूथ को कवर कर रहा है, वुमेन को कवर कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ला रहा है। आप देखिए कैसे सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स को आप देखिए उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा गया 15 लाख से 30 लाख का उनका कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। आज हर व्यक्ति इस बजट को इस नजरिए से देख रहा है कि हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसा कोई क्लस्टर नहीं है। जो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मुस्कुराहट जो सैलरीड लोग हैं उनके चेहरे पे आ गया, इतने साल के बाद जिस ढंग से, मतलब वो हटाया गया कंबरसम पहचाने वाला। देखिए सुप्रिया जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई बिल्कुल क्योंकि आप लोग सबको मालूम है कि कितने साल से इस पे चर्चा हो रहा है कि घटेगा, हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग ठीक है सर सीलिंग को बढ़ाएंगे, लेकिन कहां हुआ, अब कर दिया, कौन किया, इन्होंने कर दिया मोदी सरकार। ठीक है मिश्रा साहब, मैं आता हूं आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी इस वक्त हमारे साथ सौरभ जी। मैं बस मुझे दीजिए थोड़ा टाइम दीजिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपके भी जितने प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आ जाएंगे जो देश जानना चाहता है। शेखावत साहब बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के ऊपर। हम अभी चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि इस बजट की दिशा क्या है, और जो सबसे पहले प्रश्न उठाए गए हैं, चूंकि विपक्षी सबसे पहले सवाल उठाता है, तो वो सवाल ये उठाए कि ये बजट बेरोजगारी और महंगाई को एड्रेस करने में पूरी तरह नाकाम रहा। देखिए, जहां तक बजट की दिशा का प्रश्न है, 2014 से लेकर के निरंतर सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में और उसके माध्यम से देश का सशक्तिकरण करने की दिशा में माननीय मोदी जी के जो प्रयासों की श्रृंखला, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में है। और पिछले 9 साल के बजट में जो कुछ हमने देखा उस सब में एक कंटिन्यूअस एक रिदम है, एक तारतम्य है। और वर्तमान के बजट को इससे आगे बढ़कर के अगर मैं कहूँ तो ये बजट 2047 के विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जो सपना देश ने विकसित भारत का 2047 तक आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक उनकी आंखों से देखा है, उस सपने को पूरा करने की आधारशिला को पूरा करने का बजट है। 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जिस तरह से प्रयास किया गया, गरीब को घर मिले, घर में गैस का चूल्हा हो, घर में शौचालय हो, घर में बैंक का खाता हो, घर में बिजली हो, घर घर तक पानी पहुँचे, उन सब संकटों का समाधान करने और सामान्य मानवी को इससे उबारने के लिए जो प्रयत्न किए गए ताकि हम देश का सशक्तिकरण सामान्य मानवी के जीवन में सशक्तिकरण करके कर सकें, और इसके साथ साथ में जो हमारा मेरुदंड है अर्थव्यवस्था का MSME जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला है, उस MSME के स्ट्रेंथनिंग के लिए, MSME के हैंड होल्डिंग के लिए जिस तरह के प्रयास 2014 से निरंतर हुए और कोविड के समय में जिस तरह से उसके सामने संकट खड़े हुए, चुनौतियां खड़ी हुई और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से जिस तरह हैंड होल्डिंग की गई, उसका परिणाम आज देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि भारत सबसे तेजी से रिकवर करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। उसे और आगे ताकत प्रदान करते हुए और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए किस तरह से अर्थव्यवस्था का आधार बनाए रखा जा सकता है,
और इनके साथ साथ में वर्तमान बजट से हम फ्यूचर रेडी इंडिया किस तरह से बनाएंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है, मिलेट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और इसी के साथ साथ में देश को स्किल करके आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजीज और भविष्य के विश्व के लिए भारत को तैयार करने के लिए वर्तमान की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आवश्यकताएं, उसके लिए हमारे युवाओं को हम किस तरह से शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं, स्किल कर सकते हैं, ताकि वो अभी जो ग्लोबली ऐसी नई तकनीकियाँ हैं जिन पर आज विश्व में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता भी है, कमी भी, और भारत में भी उस तरह की आवश्यकताओं का सृजन नित्य प्रतिदिन हो रहा है, उसको हम खड़ा कर सकें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के पिछले 2014 से लेकर के 19 तक, 19 तक और 19 से लेकर के 23 तक, इस पूरे बजट में, पूरे कालखंड जो मोदी जी का है, इसमें एक तारतम्य है, एक साम्य है, एक श्रृंखला है, एक रिदम है, और इस रिदम को पूरा करते हुए देश को विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन इस बजट के माध्यम से तैयार किया गया है। शेखावत साहब, जैसे आपने भी कहा कि ये बजट जो है एक 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 कंटिन्यूटी की प्रोसेस है, उसी में एक कड़ी है, लेकिन आप सुन पा रहे हैं मुझे शेखावत साहब? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चलें, मैं सुप्रे ही से इसी पर एक कमेंट लेता हूं। उन्होंने अभी आपको बजट की दिशा के बारे में बताया, महंगाई पर इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, आपने सुना हमारे मेहमानों की राय। सुप्रिया जी, नहीं, मुझे थोड़ी सी हंसी ये आ रही थी कि खर्रा लिख के मिल जाता है, बड़ी अलंकृत भाषा में उन्होंने बोला, लेकिन क्या यहां पर किसी को कुछ समझ में आया वो क्या करना चाह रहे थे? मुझे नहीं लगता है। बहुत अलंकृत भाषा थी, उसके लिए उनको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। दो चीजें यहां पर कहना चाहती हूं। यहां पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की बात हुई और कहा गया कि वाह वाह, डिमोनिटाइजेशन के दौरान भी बढ़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 से 2014 में पर कैपिटा इनकम में वृद्धि 13.1% हुई थी और 2014 से 2023 में 9% हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। यहां पर एक बड़ी अजीब बात कही गई, मुझे समझ में नहीं आया कहां भी कैसे जा सकता है कि बजट का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे प्रभु, फिस्कल डेफिसिट का, एक्साइज ड्यूटी का, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का, मैट का, सबका महंगाई से लेना देना है। ऑल ऑफ दिस फीड्स इनटू प्राइसेस। हमने आरबीआई को बोला आप हैवी लिफ्टिंग कर लीजिए, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अब आप कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, रेट बढ़ गए। जी नहीं, लोन बहुत महंगे हैं, मिडिल क्लास पर इसका बहुत प्रहार हुआ है। तो यहां पर ये कहना महंगाई की चर्चा नहीं हो सकती थी बजट में? बिल्कुल हो सकती थी। मैं फिर से कहती हूँ, गरीबों के बारे में दो शब्द, दो बार गरीब का नाम लिया गया और 16 बार ग्रीन बोला गया और 17 बार एनर्जी बोला गया, ये प्रायोरिटीज दिखाता है सरकार की। अच्छा ठीक है, सुप्रिया जी, मैं अब, चलिए मैं इसी का उत्तर ले रहा हूँ। बात की आती है कि महिलाओं, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था शेखावत साहब का। शेखावत साहब, ये चिदम्बरम साहब ने अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया, जारी किया है पूर्व वित्त मंत्री, और उन्होंने कहा कि इस सरकार की प्राथमिकताएं आप देख लीजिए कि वित्त मंत्री अपने भाषण में जो है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस पर कुछ कहना तो दूर, इसका ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करती हैं, मतलब ये उनकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये अपना केवल देखने की दृष्टि का दोष है। अगर वित्त मंत्री स्किलिंग की बात करती है, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज के साथ में हमारे युवाओं को स्किल करने की बात करती हैं, कृषि के क्षेत्र में जो है हम किस तरह से उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, इसकी बात करती है, किसान की बात करती है, युवाओं की बात करती है और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है, तो मुझे लगता है कि उनको क्यों करके ऐसा नहीं दिखाई देता कि इसमें कहीं भी जो है इन विषयों को एड्रेस करने के लिए बात नहीं की गई है। और इसके अतिरिक्त गरीब की बात नहीं करने की चर्चा जहां हो रही है, हर घर में बैंक का खाता खुला है वो गरीब के घर में ही खुला है, हर घर में बैंक का जो है हर घर में शौचालय बना है वो गरीब के घर में बना है, हर गरीब को घर मिला है वो गरीब व्यक्ति को मिला है, हर एक व्यक्ति को पानी का कनेक्शन मिल रहा है वो गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चिदंबरम साहब और उनकी पार्टी सिर्फ गरीब की बात करती थी और बात करके और गरीब के वोट लेने की कोशिश करती थी, उसको वोट का एक बैंक मानती थी ताकि गरीब गरीब बना रहे और उनको निरंतर गरीब की चर्चा करके वोट मिलता रहे।
माननीय मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती है, करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालती है, उनका हैंड होल्डिंग करती है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, उनको स्ट्रेंथन करती है। एक गरीब की चर्चा करने वाले ऐसे लोग हैं, दूसरे गरीब के जीवन में परिवर्तन करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है इस विषय को इस दृष्टि से देखना और समझना पड़ेगा। जी एक इस पर एक मैं कमेंट ले लूं, सुप्रिया जी आपकी बात पर जरा रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, आज फोन कट गया था तभी आपकी बात पर वो कह रही थी। जी सुप्रिया जी। नहीं, मैं गरीबों की क्योंकि बात हो रही है तो जानकारी के लिए बता दूं शेखावत साहब को कि 83% इस देश की आय गिरी है। आपने गरीबों के लिए ये किया है, आपने गरीबों के लिए ये किया है कि आटे तक पर GST लगा दिया है, आपने गरीबों के लिए यह किया है कि कृषि का एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP लगातार काटा है, शिक्षा का परसेंटेज ऑफ द GDP यहां पे चर्चा हो रही थी 2.6% पिछली बार बजट था, इस बार 2.2% हो गया है, स्वास्थ्य का पिछली बार 1.98% इस बार हो गया, पिछली बार 2.5 था। तो आप बेसिक चीजों का बजट काट रहे हैं और कह रहे हैं आप लोगों का भला कर रहे हैं, ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नहीं है सर, तो क्या है ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, पीएम किसान सम्मान का, मनरेगा का, आपको 90,000 करोड़ खर्चा करने पड़े मनरेगा पर पिछले साल, आपने बजट काटकर 60,000 करोड़। जवाब ले लें सुप्रिया जी, जवाब। पीएम किसान सम्मान निधि पे आपने 68,000 करोड़ रखा था, 60,000 करोड़ खर्चा किया, ऐसी बातें करते हैं। एग्रीकल्चर पर कम खर्चा किया। देखिए सुप्रिया जी, मैं अत्यंत सम्मान के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आटे पर GST लगाया है, लेकिन दूसरी बार कम से कम आप इसके लिए तो धन्यवाद देते कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन दिया है, दाल और गेहूं दिया है, चावल दिया है, और आगे एक साल तक भी उनको मुफ्त देंगे, उसके बारे में चर्चा की है। कम से कम हम दोनों चीज़ों को दोनों आँखें खोल करके देखें तो ज़्यादा अनुकूल होगा। नरेगा की चर्चा आपने की, पर पीएम किसान सम्मान निधि की आपने चर्चा की। पीएम किसान सम्मान निधि के जो आंकड़े हैं वो स्टेट्स प्रोवाइड करता है कि कौन किसान, कितने किसान उसके लिए पात्र हैं और उन किसानों को दिया जाना है। स्टेट्स ने जो आंकड़े अनुमानित प्रदान दिए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार डिसबर्समेंट कर रही है, उसमें भारत सरकार ने बजट का इतना प्रावधान किया एक मोटे आकलन के आधार पर, लेकिन जितने आंकड़े प्रदेश ने उपलब्ध कराए, किसानों की सूचियाँ उपलब्ध कराई, उनको भुगतान किया गया। नरेगा की अगर बात करें तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जितनी डिमांड बी के में के बात करने के बजाय आप आरी की बात कीजिए, कितना डिमांड में पिछली बार कितना खर्च हुआ उसके तुलना में अब की बार कितना पैसा जो है वो रखा गया। और पहले भी इससे पहले के उदाहरण उठा करके देख लीजिए कि जब जो है बजट में एलोकेशन 60,000 था, लेकिन नरेगा लेकिन कोरोना के आने के कारण क्योंकि आवश्यकता थी तो उसको बढ़ा करके 1,00,000 करोड़ किया गया था आरी के समय में। आप अपने समय में जब आपकी सरकारें हुआ करती थी उस समय में किस तरह से बजट पे कितना उसके लिए बजट एलोकेशन होता था और कितना उस पर खर्च हो करता था, एक बार उन आंकड़ों के प्रति उठा करके देखिए। 2021-22 के बजट में जितना नरेगा में खर्च हुआ उतना कुल मिलाकर के 5 साल तक जो है 9 से 14 में नहीं हुआ था। जी आप शेखावत साहब, एक और जो आज कई विपक्ष के नेताओं ने कहा बजट के बाद, उसमें एक पुराने साथी भी आपके पार्टी के थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से चुनावी बजट लग रहा है, चुनाव को देख करके बजट लाया गया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों को केवल चुनाव ही अपने जीवन में सब कुछ दिखाई देता है उनको हर एक चीज चुनाव के रंग में रंगी हुई दिखाई देती है, उनकी दृष्टि चुनाव की दृष्टि से देखने की होती है। ये बजट जैसा मैंने कहा एक श्रृंखला जो 2014 से प्रारंभ हुई है उसी श्रृंखला के कड़ी के रूप में है और देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में माननीय मोदी जी ने जो धरातल तैयार किया, जो फाउंडेशन तैयार किया उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में। कोरोना के बाद में जिस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई और आज तक भी वापस स्टेबल होने के लिए कोशिश कर रही हैं, हमारे पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से कॉलेप्स हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सम्मान के साथ में आज ये कह सकते हैं, भारत के हम 140 करोड़ लोग कह सकते हैं कि हमारा भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमने सारे इंडिकेटर्स पैरामीटर्स पे जो प्री कोविड पोजीशन थी लगभग सब जगह उसको प्राप्त किया है
हमने गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करोड़ों की संख्या में 11 करोड़ शौचालय बनाए, 9 करोड़ लोगों को हमने गैस का चूल्हा दिया है, 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा के लोगों को हम आवास दे चुके हैं, करोड़ों लोगों के घर तक बिजली पहुंचा चुके हैं, लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचा चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सब विषय जो है ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब को भी देखना चाहिए। 2014 से इन सब विषयों पर काम प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि उन्होंने अब की बार, क्योंकि चुनाव आने वाला है तब पहली बार बजट को उठा करके देखा होगा, इसीलिए इसके ऐसी टिप्पणी उन्होंने की होगी। ठीक शेखावत साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है इस बात को लेकर, इसको भी दरअसल मुद्दा बना रहा है विपक्ष बार बार, और ये अब से नहीं, अभी जब पहले से भी जब आपके बजट सरकार में आप लोग आए हैं, कि बजट जो है एक साल के सरकार के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी बता दिया जाता है कि ये अब 2022 तक के लिए बजट है, और अब तो कह दिया गया सीधे सीधे कि 2047 तक की दिशा है। तो उनका कहना है कि ये ग्रैंडियोस तरीके से, ग्रैंडियोस टर्म्स में सरकार बात करती है, जो सीधी सीधी बात है कि भाई एक साल के अंदर हमारी ये प्राथमिकता है, उनको सीधे सीधे सरल भाषा में कहें। मुझे लगता है मित्र कि इस बार देश का दुर्भाग्य यही था कि देश में बजट हर एक साल की अलग अलग प्राथमिकताएं तय करके और उस कंटिंजेंसी के प्लान के रूप में बजट बनाया जाता था, और इसी के कारण से देश ने 55 साल तक राज करते हुए भी इन लोगों ने देश को इस तरह से भटकाई हुई अटकी हुई राह पर चलने को मजबूर किया था। एक निश्चित राह पर निश्चित दिशा में सशक्त कदमों के साथ में चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक तय दिशा में बजट बनाए गए, 2047 तक की दिशा को लेकर के बनाए गए, और इसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण से कि हर साल कभी कहीं के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, कभी कहीं के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, कभी किसी दबाव में, कभी किसी और तरह के दबाव में जिस तरह के बजट बनाए गए, उन बिखरी हुई प्राथमिकताओं के कारण से ही देश 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में शायद देश को कितने वर्ष लगे थे, और देश को जो है देश के करोड़ों करोड़ गरीबों को सामान्य आप जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। 68% महिलाओं को जो है वो शौचालय के जैसे सामान्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी, करोड़ों घरों में पानी नहीं आता था, करोड़ों घरों में बिजली नहीं आती थी, महिलाएं चूल्हे में फूंकने को मजबूर थी, गांव में सड़क नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी। ये सब परिस्थितियां जो है वो इनके जो है एक एक साल के नजरिए से जो बजट बनाए जाते थे उसी के कारण से थी, उसका समाधान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। श्रीगावत साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। जो बातें शेखावत साहब अभी कह रहे थे उसी को लेकर के हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने यहाँ मौजूद मेहमानों से बात करूंगा। जो अंत में उन्होंने बात कही ये बात उचित है, कोई सरकार हो विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा एक कंटिन्यूटी में एक चीज़ है। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो आपके पास जब तक एक विजन नहीं होगा, आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, आप कभी भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। और इस सरकार के अंदर में एक विजन है, वो आगे का सोचता है, ये कल का केवल नहीं सोच रहे हैं। पहले क्या होता था कि केवल हम एक शॉर्ट टर्म सोचते थे कि हम कैसे चुनाव जीत जाएं, कैसे हम आई प्ले फॉर द गैलरीज, वो नहीं हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों को एक इस ढंग से चलना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाए, और वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आज दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त एक और बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर साहब। अय्यर साहब आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। लगातार चर्चा का विषय यही है कि आज के इस सरकार के बजट की दिशा क्या है, वो कौन से कोर इश्यूज हैं जिनको ये बजट एड्रेस कर रहा है आपकी नज़र में? देखिए मुझे भी लगता है कि दिस बजट हैज़ गॉट अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ऑफ इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, आई थिंक दिस बजट इज वेल ऑन इट्स वे टूवर्ड्स द माइल स्टोन टूवर्ड्स दैट। कल इकोनॉमिक सर्वे में इट वॉज एस्टैब्लिश दैट द रिकवरी इज कम्प्लीट, बट डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स इंडिया में हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है दैट्स एट 7% एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो बींग बैलेंस्ड। तो दिस बजट ओवरऑल इज इंक्लूसिव ग्रोथ बजट। इसमें दो तीन चीज़ें जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो दिस इज अ बजट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सबसे जो वल्नरेबल हैं इसमें एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG ट्राइबल्स के लिए 15,000 करोड़ का मिशन है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। दूसरा चाहे वो महिलाओं के लिए है, फार्मर्स के लिए, यूथ, आर्टिजन्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। सो दिस इज अ बैलेंस्ड बजट विच इज गॉट अ मल्टी स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव। दूसरा इट इज ऑल्सो बॉटम अप। इसमें
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया और उसमें नीति आयोग उसमें काम कर रहा है टू टेक डेवलपमेंट डाउन ऑल द वे डाउन टू द ब्लॉक लेवल. 500 ब्लॉक लिए गए हैं, सम ऑफ द लैगिंग ब्लॉक्स इन द कंट्री, जिनको अपने स्टेट एवरेज तक पहुंचाना है. सो दैट इज टेकिंग डेवलपमेंट डाउन टू द ग्रास रूट्स. ऑफकोर्स फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. 10 लाख करोड़ इज बीन पुट इन फॉर नेक्स्ट ईयर. स्टेट गवर्नमेंट्स को जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है उनके लिए भी देर इज 1.3 लाख करोड़, उनके लिए भी इंसेंटिव है कि वो भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएं. सो आई थिंक दूसरा टीयर टू टीयर थ्री सिटीज के लिए एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. ऑल दिस इज पुशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जॉब्स ऑल द वे डाउन. सो दिस इज लुकिंग एट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव ऑन द वे टू अ विकसित भारत. दूसरा एक फोकस ऑन हिंटरलैंड डेवलपमेंट, कोस्टल एरियाज. देयर इज अ मैंग्रोव प्लांटेशन स्कीम्स, लोअर टीयर सिटीज, विलेजेस, कम्युनिटीज. तो ऑल इंडिया पर्स्पेक्टिव लेके एक रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट पर फोकस है. एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने आउटकम बेस्ड रिजल्ट फाइनेंसिंग अप्रोच के बारे में बात कही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देखेंगे तो 12 और 15 लाख करोड़ के बीच में एक्सपेंडिचर होता है, खासतौर से सोशल सेक्टर में. अब अभी तक ट्रेडिशनली इनपुट बेस्ड रिजल्ट्स, कितना पैसा खर्च हुआ उसी पर फोकस है. नीति आयोग में डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ऑफिस अभी इसको पायलट करेगा विद अदर मिनिस्ट्रीज, हाउ टू कम अचीव आउटकम्स एंड मेजर देम ऑन द ग्राउंड. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर. और फाइनली स्टेट सपोर्ट मिशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक फेडरल सिस्टम में, एक कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नीति आयोग वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके जो GDP इंक्लूसिव ग्रोथ टारगेट्स हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीति आयोग उनके साथ प्रोएक्टिवली कैसे कोऑपरेट और मदद कर सकता है, इन पर भी फोकस है. और लास्टली आई थिंक ह्यूमन डिग्निटी पर इस पे बहुत फोकस दिया गया है, दो एस्पेक्ट्स पे. एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनको कैसे, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं. और एक बहुत पावरफुल फ्रेज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हाउ टू मूव फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल. सिटीज में मैकेनिकल इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट, इस पे इसको कैसे फुली कंप्लीट किया जाए, आई थिंक दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर, MSMEs, स्किल्स, यूथ, there have been a number of schemes for inclusion. So growth with inclusion, it is a very balanced budget. सर एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि इस बजट के अंदर जहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, जहां आप बता रहे हैं कि इतने शहरों से बढ़कर इतने शहरों में हम अब मेट्रो ट्रेनें चला रहे हैं, इतने एयरपोर्ट से बढ़कर इतने एयरपोर्ट हो गए, हम पोर्ट्स बना रहे हैं, वाटरवेज बना रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर गांव की तरफ देखते हैं, अपने ग्रामीण इलाकों की तरफ देखते हैं, तो वहां पर डिस्ट्रेस दूर करने के लिए हमारे पास आज भी वही तरीके हैं. आज भी मनरेगा पर चल रहा है, हमारे गांव का आदमी वो एडिशनल इनकम के लिए मनरेगा पर है, अब उसको राशन का सहारा मिल गया है और किसान को आप 2,000 रुपये देते हैं. तो ये एक बड़ा गैप दिखाई देता है. देखिए फोकस ऑन रूरल और एग्रीकल्चर पर उतना ही है, इफ नॉट मोर. अभी स्टार्टअप्स की बात हुई है इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को हम कैसे रूरल एरियाज में ले जाएं, उस पर फोकस है. एंटरप्राइजेस इन एग्रो सेक्टर, इन गोबरधन एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें कम्युनिटी बायोगैस प्रोग्राम्स को चलाए जाएंगे. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन रूरल पेरीअर्बन एरियाज आर इमेंस और दिस बजट इज प्रमोटिंग दैट एज वेल. इसमें अच्छा आप चाहे एग्री सेक्टर लेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लेंगे, यू कैन टेक ऑल दीज, देर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ. और मिडिल क्लास वर्ग जो है वो न केवल अर्बन एरियाज में है, दे आर इन पेरी अर्बन एंड रूरल. और मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग लोगों के लिए पिछले 8 सालों में दे हैव बीन 4 सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, चाहे वो संपन्नता, मोर मनी इन हैंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर और हैसल फ्री लिविंग. इसमें मोर मनी इन द हैंड, लोअर इंटरेस्ट लोन्स, इसमें लोअर डेटा रेट्स. सो दिस हैज गॉन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस रूरल अर्बन डिवाइड.
पर एक मिडिल क्लास का चूंकि आपने जिक्र किया, तो आज जो ये नई टैक्स रिजीम जो है वो वित्त मंत्री ने बताई है, टैक्स स्लैब्स कम कर दी गई हैं, रेट कम कर दिए गए हैं, इससे कई लोगों में कन्फ्यूजन तो पैदा नहीं होगी? और क्या सरकार ये डिलिबरेटली चाह रही है कि लोग अब पुराना जो एग्जेम्पशन वाला सिस्टम था जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना कुछ टैक्स बचाते थे, उस सिस्टम से हट जाए पूरी तरीके से और ये नए सिस्टम पर आ जाए? देखिए, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि ये जो न्यू टैक्स सिस्टम है दैट इज ऑप्शनल, एनकरेजमेंट है, इट इज अ बेटर, प्रोबेबली अ बेटर सिस्टम, इट इज गॉट मोर रैशनलाइज स्लैब्स, उन्होंने इनकम 5 लाख से 7 लाख किया है, तो ये लेकिन ऑप्शनल है ये, एंड कंज्यूमर्स कैन चूज, टैक्स पेयर्स चूज कर सकते हैं वेदर दे वॉन्ट टू गो विद न्यू और ओल्ड। जी ठीक सर, इसके अलावा एक महिलाओं के लिए एक जो स्कीम लॉन्च की गई है सेविंग स्कीम, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि क्या ये वाकई कोई इंसेंटिव है जो अब महिलाओं को सरकार दे रही है जिसमें 7.5% का 7.5% का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा? कई लोगों ने आज बताया दिन भर में कि कई बैंक्स दे देते हैं FD पर इतना इंटरेस्ट रेट, तो इसके पीछे सरकार की एक्चुअल सोच क्या है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिस गवर्नमेंट हैज टेकन फिनोमिनल स्टेप, दिस इज जस्ट वन मोर स्टेप, जो महिला बचत पत्र जिसके बारे में आज अनाउंसमेंट हुआ है 7.5% 2 लाख, दिस इज एन फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट, बट इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे करीब 80 लाख हैं हु आर कीपिंग वुमेन एम्प्लॉयड वर्किंग लोकली, उनके लिए एडिशनल सपोर्ट लिटिल फॉर ब्रांडिंग फॉर मार्केटिंग, दिस विल ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस, वो अपने प्रोडक्ट्स यूनिटी मॉल्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ बेच सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के दोज कंटिन्यू, चाहे वो 400 मिलियन जनधन अकाउंट्स हों, सो वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन अ मेजर थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तमाम प्रोग्राम्स हैं फॉर द डिग्निटी एस्टीम ऑफ वुमेन, चाहे वो स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स हो या जल जीवन मिशन के फंक्शनिंग हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, और आज जो स्कीम्स अनाउंस हुए हैं दे आर टेकिंग दिस एंटायर एजेंडा फॉरवर्ड। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, आपने हमारे सवाल एंटरटेन किए, अय्यर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।